सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े जे सदे ते तुसी सारे आए हो और इस गलों भी असं धनवादी हाँ भाई तुसी जिहड़ा किसान मोर्चा है सही अर्थां विच तुसी साड़ी आवाज हो। जिस तरह सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नू एक तरह नाल बन के रख्या होया ते जे तुसी लोग ना इस मोर्चे नू सपोर्ट करदे तां होर कुछ कयास करना शुरू कर देना सी लोगों ने। सब तो पहला तुहाडा सारयां दा धन्नवाद, तुसी हमेशा साडे इस अंदोलन नू साथ दिता। असल विच इह अंदोलन तुहाडा सारयां दा अंदोलन है, कोई सिर्फ किसानां दा अंदोलन नहीं, ये हर शहरी का अंदोलन है। मैं हुण अज की अपनी गल तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। तुसी रोज देखते हो प्रधानमंत्री हर रोज कोविड तो प्रभावित समाज नूं कंट्रोल करने लई नवीं नवीं स्कीमां दा ऐलान करदे। रीसेंटली उन्होंने कहा भी नवंबर तक असी जिहड़ा मुफ्त अनाज है वह वंडते रहांगे, 80 लाख टन अनाज हर महीने के किन्ना उन्होंने वंडन का वादा किया। उन्होंने इस ऐलान तो बाद सानू यह महसूस होने लगा है कि असी 7.5 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर से बैठे हाँ, ठंड भी अपने पिंड ते हंडाई, पूरी पखदी गर्मी वो भी हंडा रहे हैं, असी झक्खड़ भी चले, असी जिहड़ा सी बरसातां च भी सारा उत्थे असी फेस कर रहे हैं। और डिटरमिंड हाँ कि जदों तक सरकार मंगा नहीं मनती, जिन्नी देर उहदा जी करदा सानू बिठाउणा बिठाई रखे, असी उदों तक अंदोलन जारी रखांगे। पर एक गल महसूस होने लगी है, असी कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं, ना ये इशू पोलीटिकली उठाए ने, इन्हां मुद्दों नाल सारी सोसाइटी प्रभावित होंदी है, सारा देश बर्बादी वाले पासे नूं जांदा है, तो इस करके मुद्दे असी उठाए ने। इस गल का कष्ट है बहुत भाई, किसानां नाल दुश्मनी सहेड के प्रधानमंत्री दमगजे किदां मारदे है। अज की तरीक विच जदों समाज दे साडे देश दे बाकी दे सारे सैक्टर उन्हां दे धंधा जिहड़ा बुरी तरह प्रभावित होया है, सिर्फ खेती सैक्टर है जिन्हें सरकार नूं ते समाज नूं बचाया होया है। असी इन्ने अन्न पैदा करके गोदाम भरे ने, उन्हां विचों हर रोज़ जिवें मिसाल दे तौर ते पंजाब चों तकरीबन 30 लाख टन अनाज हर रोज़ इत्थों मूवमेंट हो के जिथे लोड़ है उत्थे नूं जा रहा है, हरियाणे चों जा रहा है, मध्य प्रदेश चों जा रहा है। किसानों ने अन्न पैदा किया देश लई, उही अन्न वंड रहे ने ना, उहदे सहारे स्टेबिलिटी है सरकार विच। जे अन्न दे पक्कों असीं डैफिसिट चोंदे तां इत्थे लड़ाई लोकां दी आपो विच ही खाना जंगी हो जाणी सी, ढिड दी भुख बंदे नूं कुछ भी करन लई मजबूर कर दिंदी है, तां पता नहीं देश दे हालात की हुंदे। तो इस गल दी सानूं बहुत तकलीफ है भी प्रधानमंत्री और उन्होंने पार्टी भाजपा का वतीरा इन्ना अणमनुखी और दुश्मन वाला वतीरा ये देश के किसानों के नाल, और हर वेले स्कीम घटते रहेंगे है भी किमें किसी तरीके इस अंदोलन बदनाम किया जाए, इस अंदोलन तोड़िया जाए। हर संभव उन्होंने कोशिश होंगी है, यदि असी निंदा करते हैं और आस करते हैं भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री ने, वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ने, संविधान च लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की मुढ़ली ड्यूटी यह है भी वह लोगों की लोड़ां अनुसार सरकार नूं चलाउण। जिहड़ी चीज़ लोगों नूं पसंद नहीं वो जबरदस्ती ठोसना अपने को चहेते वड्डे कारपोरेट घराणे नूं बेनीफिट देण लई, उहनां नूं उहनां दीआं लोड़ां आम लोगों के सिर मड़नियां, ये कोई चंगी सरकार की निशानी नहीं। असी अंदोलन विचां असी पहला भी कहा, अज फिर तुहाडे सामने तुहाडे राही चाहांगे भी इस रीजन च खास तौर पर खबर हर घर पहुँचाओ तुसी भी 19 जुलाई तो पार्लीमेंट का इजलास शुरू हो रहा है, असी उहदे संबंध च कुछ फैसले किए हैं। एक फैसला ये किया है भी अपोजिशन पार्टी चुप बैठी ने,
किसी ने अपना मूंह नहीं खोलिया। तो आम तौर पर पार्लीमेंट च यह होंगे जदों चर्चा होंगी है रौला पाते हैं हौली हौली फिर वाकआउट कर जाते हैं, वाकआउट करके राज वाली सरकार नूं मौका दे देंगे ने भी वह बाद में जो मर्जी तुहाडा जी करदा पास कर लो असीं सारे बाहर चले। असी 17 तरीक नूं जिन्हें अपोजिशन के एम पी ने चाहे राज्यसभा च ने चाहे लोकसभा च ने उन्होंने किसानों वालों मजदूरों वालों एक चेतावनी पत्र देन जा रहे हैं। उहदे च उन्होंने ये बेनती की जाएगी भी तुसीं इस मोर्चे दीआं मंगां बारे आवाज़ बनो पार्लीमेंट दे विच, पार्लीमेंट च रौला पाओ, सरकार नूं मजबूर करो भी जिहड़ी 8 महीने का बिना वजह डेडलॉक खड़ा किया होया है, भावें ऐलान करी जांदे आ गलबात लई तैयार हाँ फिर शर्तां ला दिंदे आ ते उह इह मोर्चे नूं मंगां मनाउण लई पार्लीमेंट दे विच किसानां दी आवाज़ उठाओ। ते बड़ा स्पष्ट उहदे विच असीं कह रहे हां उहनां नूं भी जिते वाकआउट नहीं करना उत्थे मुद्दे होर भी बहुत ने। पता है जे रफेल दे मुद्दे च किसानां दी मंगां दबाउण दी कोशिश की जाएगी या कोई पार्टी ये मुद्दे किसानां दे उठाउण विच ढिल वरतेगी तां अज तां असीं भाजपा दे लीडरां दा भाजपा दे एमपीआं दा ही विरोध कर रहे हां तां फिर उन्हां दा भी असीं उस तरह विरोध करांगे जिवें भाजपा वालिआं दा करदे हां। ये असीं फैसला कर लिया तो साडी सनिमर बेनती है उन्हां पोलीटिकल लीडरस नूं भई तुसीं अपोजिशन चों अपना रोल निभाओ, लोकां दी आवाज़ बनो, जे तुसीं इदां ना कीता तां फिर साडे लई तुसीं उस कतार च खड़े होवोंगे जिथे बीजेपी वालिआं दा उन्हां दे घरां दे अगे धरने चलदे ने, उन्हां दा बाहर निकलना असीं बंद कीता होया, असीं उन्हां दे विरुद्ध मुजाहरे करदे हाँ, जिथे जांदे आ पिंडां च वड़न नहीं दिंदे। ते यही काम फिर बाकी पोलीटिकल पार्टियां दा भी होएगा। ये सिर्फ पंजाब लई नहीं, ये सारे देश दे देश च सारे साडे जिन्ने यूनिट ने सारिया स्टेटां च हर जगह अपोजिशन लीडरस नूं चेतावनी पत्र देणगे 17 तारीख नूं। ते दूसरा 19 तारीख नूं सैशन शुरू होना, उदन बहुता बिजनेस पार्लीमेंट दे विच है नहीं, इसलिए असी 22 तारीख तो जिहड़ा सीरीयस बिजनेस पार्लीमेंट विच शुरू होएगा असी फैसला किया भी 22 तारीख तो हर रोज़ तकरीबन 200 किसानों का जत्था हर जथेबंदी वालों जिहड़ियां उत्थे एक्टिवली मौके ते ने कम करदियां वो पार्लीमेंट वल मार्च करेगा और रोज़ उतों बसां ते चढ़ के बकायदा गलां विच उन्हां दे उन्हें दी आइडेंटिफिकेशन पा के असी पार्लीमेंट वल भेजांगे। वो बाहरों अपनी आवाज़ उठाउणगे, एम पीज़ नूं बेनती है तुसीं अपने अंदर आवाज़ उठाओ। ये जिदन तक पार्लीमेंट का सैशन चलेगा उदों तक लगातार ये जत्थे जाते रहेंगे, उदों अगली स्ट्रैटेजी फिर जो असी फैसला करेंगे वो तुहाडे तक असी पहुँचावांगे। एक गल दूसरा असी सारे समाज में अज फेस कर रहे हैं, ये अज दे राज भाग वाले लोग वो ने जिहड़े कांग्रेस वेले जदों 55-60 रुपए डीजल पेट्रोल दीआं कीमतां सी उदों ये रेहड़िआं दे उत्ते चढ़ के पार्लीमेंट जाते सी, उदों ये डट के विरोध करते सी और उदों 105 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट क्रूड का रेट सी, अज 70 डॉलर क्रूड का रेट है, तो जिहड़ा पेट्रोल डीजल है ये 100 रुपए क्रॉस कर गया। साढ़े पंजाब और चंडीगढ़ के हाले 2-3 रुपये डीजल जिहड़ा 100 तो घट है, बाकी स्टेटों में 100 क्रॉस कर गया। रसोई गैस आम आदमी की पहुँच तो बाहर हो गई, आम आदमी पेट्रोल डीजल नाल वहीकल चलाना मोटरसाइकिल स्कूटर चलाना उन्हां दे हत्थों निकलता जा रहा है, तो असी ये विरोध में ये ना इन्नी महंगाई होंदी जा रही है आम आदमी का जीवना दुब्बर है और इस गल की तसली है भी जिहड़ा असी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्होंने 1955 का बदलिया सी, असी कहिंदे सी भी ये असी इहदा विरोध करदे हां, अज हुण उह सस्पेंड है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह नाल, इन्हां नूं उस कानून का सहारा लेना पिया। हुण दालां और जिहड़ा ऑयल सीड्स ने एडिबल ऑयल है उहनां दीआं कीमतां नूं कंट्रोल करन वास्ते उही पुराना कानून जिहड़ा रद्द कीता सी उस दा सहारा लेना पिया, जे उह ना हुंदा तां कीमतां कंट्रोल करन दा सरकार कोल कोई साधन नहीं सी, फिर भी सरकार कीमतां कंट्रोल नहीं कर रही, सब कुछ कारपोरेट के हाथ च है। ये विरोध च असी 8 तारीख नूं समाज के हर वर्ग नूं शहरियों नूं मुलाजमान नूं
इंडस्ट्री वाले नूं, व्यापारियों नूं, किसानों नूं, मजदूरों नूं, सब नूं साडी अपील है भई हैं ट्रांसपोर्टर सारे सारे नूं साडी अपील है भई 10 तों 12 बजे तक सारे देश विच असी आपो अपने वहीकल लिया के सड़क ते खड़े करांगे। गैस सिलेंडरस खाली लैके साडियां पैणा वो सड़क ते आउणगियां। असी 2 घंटे विरोध करांगे। 2 घंटे दे विरोध तों बाद क्योंकि 8 तरीक नूं करना है, जिहड़ा फार्मूला मोदी ने दिता तां असी 8 मिंट लई हारन भी बजावांगे, मोदी सरकार दे कन्न खोलण लई हारन बजावांगे। तो ये फैसले ने जिहड़े असी तुहाडे राही लोकां तक पहुंचाउणा चाहुंदे सी। तो बहुत बहुत धन्नवाद। कोई सवाल खत्म हो सड़कां गल बड़ा स्पष्ट किया असी सारयां नूं भी ट्रैफिक जाम किसे ने नहीं करना। सड़कां ते साइडां ते लाउणियां गड्डियां वहीकल जिहड़े ने साइडां ते होणगे। असी ट्रैफिक जाम करके कोई मरीज हो सकता है, किसी की कोई जरूरी काम जाना हो सकता है, उन्हां लोकां नूं गर्मी दे विच असी तकलीफ नहीं देना चाहुंदे। इसलिए फैसला कीता है भी जाम नहीं लावांगे, सारे वहीकल सड़कां ते आ जाणगे। और याद रखना चाहिए सानू सारे हिंदुस्तानियों नूं एकमुठता दिखाउणी पएगी। एवें चीकां मारना महंगाई होगी महंगाई होगी, सिर्फ किसानों के सिर ला के गल नहीं छड़नी चाहिए। तुसी देखिया 2 साल पहला जर्मनी विच जदों सरकार ने इस तरह रेट बधाए सी, सारे जर्मनी के लोगों ने अपने अपने वहीकल लिया के सड़कों पर खड़े करके लॉक करके घर चले गए सी। सरकार नूं 2 घंटे विच फैसला बदलना पिया सी। तो मोदी सरकार बजित है, उन्हूं असी पहला भी विरोध कर लिया, कई जगह ट्रैक्टर मार्च कढ ले, कई जगह असी अलग अलग ढंग नाल विरोध करते रहे हैं। पर 8 तारीक नूं सारे देश विच असी कॉल दित्ती है हर वर्ग नूं भई आपो अपना वहीकल 10 तों 12 बजे तक सड़कां ते खड़ा करो और उहदे बाद 8 मिनट लई हॉर्न बजाओ। बहुत बहुत धन्नवाद। एक मैं बेनती करांगा भई जदों सारे इकट्ठे सवाल करोगे कुछ पल्ले नहीं पैंदा, ना मेरे ना तुहाडे, एक एक करके सवाल कर लो। राजा साहब पहला सवाल, 3-4 दिन पहला जिसके नाल बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल दी खेता दे उत्ते जड़ा ट्रैक्टर चलाया गया, उन्हूं उबाया गया, वो कितना जायज कदम सीगा? उन्होंने वालों ये सवाल चक्या गया कि वो किसान नहीं है, ये देश विरोधी है जेड़े इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कि किसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। देखो साडा कोई फैसला नहीं जथेबंदियों का, पर ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए। ओहदा पिंड धनौला है, धनौले पिंड ने आम इजलास बुला के फैसला किया भी हरजीत सिंह गरेवाल रोज किसानों के विरुद्ध बोलता है, इस करके इहदी जमीन कोई ठेके पर नहीं लेगा। किसी एक सज्जन ने जमीन ठेके पर ले ली, उहदे पिंड वाले ने इकट्ठे होके उहदा विरोध किया और उन्होंने वो पट दिता। और उहदे विच भावुकता भी है, गुस्सा भी है लोगों का। मैं तो गरेवाल साहब नूं सलाह ही देंगा, मैं उन्होंने बहुता कमेंट नहीं करता क्योंकि उन्होंने हर बारी तरीका उन्होंने जी भाषा है वो गाली गलोच वाली होंगी एक तरह नाल टेढ़े ढंग ना। मैं उन्होंने कोई कमेंट नहीं करता, सिर्फ ये कहांगा जो मर्जी कह पर अपने पिंड वाले नाल बना के रखन। नहीं उत्थे जिहड़े बैठे उह बैठे रहणगे, हरेक जथेबंदी ने 5 बंदे रोज देने ने किसे तरह दा रिस्क लेना नहीं चाहते। हाँ नहीं, उनके घरों में जाके दिया जाएगा थ्रू आउट द कंट्री। राजा साहब कुछ लीडरां दा विरोध हो रहा, पहला बीजेपी दा हुंदा, हुण पंजाब दे विच कांग्रेस ते अकालियां दा वी विरोध हो रहा देखण नूं मिलिया। की संयुक्त किसान मोर्चे दी जां 32 किसान जथेबंदे दी एमजी कोई कॉल हैगी आ ते जिहड़े ओह लोक कर रहे ने विरोध, तुसीं उहनूं किवें देखदे? नहीं असीं नहीं कोई कॉल दित्ती, असीं तां बीजेपी दी कॉल दित्ती हुई है। पर तुहानूं समाज विच विचरदे आ, लोकां दीआं भावनावां वी समझणियां पैणगियां। लोकां च गुस्सा वी इक पासे, तां असीं बैठे आ 7.5 महीने ते धरने दे उत्ते बैठे हैं, तो इन्हों हाले 8-9 महीने पे ने, अजे चोणां दी फिक्र पई है। तो वह गुस्से च लोग करी जाते हैं विरोध अपने तौर पर,
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਸਪਲਾਈ ਫਿਰ ਵਿਗੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਕੁਛ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗਲਾਸਾਂ ਚ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ